इस समय की बड़ी खबर जालंधर से आ रही है। पेट्रोल डीजल को लेकर जनता में मचे हाहाकार के दरमियान ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को लेकर राहत भरी खबर है। जालंधर में इंडियन ऑयल टर्मिनल पर तेल टैंकर ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई है और प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल टैंकर संचालकों ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है। दरअसल लोगों के बीच ये बात फैल गई है कि हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंपों में तेल खत्म हो रहा है और इसीलिए लोग गाड़ियों में ईंधन भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। पंजाब में बस सेवा भी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस सेवाएं, माल की आपूर्ति और स्कूल बस सेवा प्रभावित हुई है। चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, गुरदासपुर, बठिंडा और पंजाब के अन्य जिलों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने की खबरें हैं। लेकिन अगर बात जालंधर की करें तो जालंधर में इंडियन ऑयल टर्मिनल पर तेल टैंकर ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई है और इसके मद्देनजर तेल टैंकर संचालकों ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है। इस समय की बड़ी खबर जालंधर से आ रही है। पेट्रोल डीजल को लेकर जनता में मचे हाहाकार के दरमियान ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को लेकर राहत भरी खबर है। जालंधर में इंडियन ऑयल टर्मिनल पर तेल टैंकर ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई है और प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल टैंकर संचालकों ने जालंधर के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ है। दरअसल लोगों के बीच ये बात फैल गई है कि हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंपों में तेल खत्म हो रहा है और इसीलिए लोग गाड़ियों में ईंधन भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। पंजाब में बस सेवा भी प्रभावित हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस सेवाएं, माल की आपूर्ति और स्कूल बस सेवा प्रभावित हुई है।